आंसर टू दिस क्वेश्चन इज व्हेन आई आस्क समवन कि आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है, हाउ यू स्टार्ट योर डे, सो 8 out of 10 पीपल दे से वी स्टार्ट आवर डे विद अ टैबलेट ऑफ थायराइड. मतलब आज मिलियंस ऑफ पीपल जो अपने दिन की शुरुआत थायराइड की टैबलेट से कर रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है, उसका कॉज क्या है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज एवरी डे आ रही हैं. ऑल दो 2 videos आर ऑलरेडी बीन अपलोडेड अबाउट थायराइड, लेकिन बार बार क्वेरीज आने की वजह से मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन दोबारा आपके साथ कर रही हूँ. आप सब लोग जो थायराइड के साथ डील कर रहे हैं, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल आर नाउ डीलिंग विद थायराइड, तो उनको जो सिम्टम्स आप खुद ये सफ़र कर रहे होंगे कि आपको वेट गेन हो रहा है, और आप ये कहते हैं कि मेरा तो थायराइड है तो मेरा तो वेट लॉस हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है. अगर आपका थायराइड का प्रॉब्लम है वो मेटाबॉलिज्म को डेफिनेटली इफेक्ट करता है, बट दैट इज़ नॉट ओनली द कॉज फॉर वेट गेन कि आपका थायराइड हो गया तो आपका वेट जो है वो लॉस नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. इसके अलावा जो आप प्रॉब्लम्स मोस्टली फेस करते हो, दैट इज़ ब्रिटल नेल्स का होना या आपके हेयर फॉल का होना स्टार्ट हो जाना, यू विल हैव कोल्ड हैंड्स एंड फीट एंड फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इम्यूनिटी आपकी कम हो जाती है, डिजीनेस आपको फील होता है, हेडेक, माइग्रेन्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं. तो आपको जो क्विक फिक्स दिखता है वो ये है कि चलो हमारे पास टाइम नहीं है कुछ और करने का, सिर्फ डॉक्टर ने हमें थायराइड का मेडिसिन दे दिया है तो बस उसको सुबह लिया और थायराइड का ट्रीटमेंट हो गया. दैट क्विक फिक्स जो आप यूज़ कर रहे हो, हर रोज़ का जो टैबलेट आप ले रहे हो, वो जो थायरॉक्सिन का टैबलेट है वो आपके थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ तो ट्रीट कर रहा है, लेकिन वो आपको इंटरफेयर कर रहा है इन द अब्सॉर्प्शन ऑफ अदर वाइटमिन एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज वाइटामिन डी की अब्सॉर्प्शन में इंटरफेयर करना, सिलेनियम की इंटरफेरेंस, सिलेनियम की अब्सॉर्प्शन नहीं होने देता है, एंड वाइटामिन B12 की अब्सॉर्प्शन एंड कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करता है. दैट्स वाई जो थायराइड के पेशेंट्स होते हैं उनको थायराइड की टैबलेट स्टार्ट होते ही मल्टीविटामिंस, वाइटामिन डी एंड कैल्शियम जो वो स्टार्ट कर दिया जाता है. सो आप लोग ये पिल्स लेना बहुत इजी समझते हैं, लेकिन इन पिल्स का किसी ना किसी फॉर्म में साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. अगर हम नॉर्मल नेचुरल ट्रीटमेंट अगर थायराइड का देखें तो उसका एक ही आपका सोल्यूशन है, दैट इज लाइफस्टाइल. एंड लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली रिलेटेड टू डाइट कि आपने कोई डाइट में क्लीन ईटिंग किया तो वो आपको सोल्यूशन मिल गया. लाइफस्टाइल इंक्लूड्स योर स्लीप, स्ट्रेस, एक्सरसाइज रूटीन, आपका वाटर का इंटेक, ये कॉम्बिनेशन है. और थायराइड का मेन कॉज जो है वो है आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, दैट इज स्ट्रेस हार्मोन. जैसे ही आपका स्ट्रेस हार्मोन, एक तो होता है स्ट्रेस जो हम नॉर्मल रूटीन में लेते हैं, जो हम बच्चों का स्ट्रेस हो गया या सुबह सुबह निकलने का स्ट्रेस, हरी में जाने का स्ट्रेस, दैट्स अ नॉर्मल डेली रूटीन स्ट्रेस, वो थायराइड का कॉज नहीं होता है. क्रॉनिक स्ट्रेस जो आप कॉन्टिन्यूसली अपने साथ लेके चल रहे हो, जो सारा दिन इसके साथ डील कर रहे हो स्ट्रेस के साथ, वो आपका मेन कॉज होता है थायराइड का. और वो क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिसोल हार्मोन को हाई करता है, थायरॉक्सिन को लो कर देता है, और साथ ही साथ में आपकी जो इम्यूनिटी बूस्टर एंजाइम्स होते हैं उनको कम कर देता है. टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेन एंड वुमेन में पाया जाता है उसको भी वो इफेक्ट करेगा, उसको लो करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको इम्यूनिटी बूस्टर चीज़ों की जरूरत पड़ती है. आप अपनी नॉर्मल बॉडी के साथ नहीं रह पाते हो, आपको ईजिली कफ, कोल्ड वगैरह जो है वो देखने को मिलता है. सो वॉट यू पीपल डू कि आप अपना थायराइड का टेस्ट चेक करवाते हो, और सिर्फ ये चेक करवाते हो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा है उसको आप चेक करवाना स्टार्ट कर देते हो जब आपको थायराइड का कोई इशू आता है. लेकिन बिफोर यू चेकिंग योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चाहे वो नॉर्मल भी है, अगर आपका T3 एंड T4 ये भी डिस्टर्ब चल रहा है, दैट मीन्स आपकी थायरॉक्सिन फंक्शनिंग जो है वो ठीक नहीं है. किस तरह से, अब मैं आपको ये सारा एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जो मेन कॉज आजकल थायराइड का दिखने को मिल रहा है, दैट इज रिफाइंड ऑयल्स, दैट इज पॉली अनसेचुरेटेड फैट रिफाइंड ऑयल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं. कई लोग तो घर पे इसको यूज़ करें, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सब चीज़ें जो आप एक्सेस में यूज़ करते हो. वो जो ऑयल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, दे विल ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन योर बॉडी. वो हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन को ऑब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जिसकी वजह से सेल्स और हॉर्मोन्स अपने आस पास जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते. सेल्स क्या करते हैं, हॉर्मोन्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो कहते हैं कि आप खाना लेके जाओ या ये आपने प्रोडक्शन करनी है. जब वो सेल्स फंक्शन ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल इन फॉर्म ऑफ लाइक रिफाइंड ऑयल्स को यूज करने की वजह से, जंक, सोडियम, इन सब चीज़ों को खाने की वजह से, वो सेल्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन हॉर्मोन्स को दे नहीं पाते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो थायरॉक्सिन
जब वर्क नहीं कर पाता है, हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कि हमारी बॉडी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक नहीं कर पाती है, और इसीलिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो एकदम से हाई हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, आपने थायराइड चेक नहीं करवाया, डॉक्टर को दिखाया कि कोलेस्ट्रॉल हमारा हाई हो गया, डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट पिल कि आप कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन स्टार्ट करें, प्लीज़ पहले अपना थायराइड चेक करवा लीजिए। वाई? बिकॉज अगर आपका थायराइड डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंटरफेयर हो गई है, आपका कोलेस्ट्रॉल उसकी वजह से हुआ है, तो अगर आप थायराइड को फिक्स कर लेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। सो इसी तरह से हमारा जो, अगर आपका T3 और T4 डिस्टर्ब है और TSH आपका डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि T3 और T4 क्या करते हैं, T4 हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ T3 एंड दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू एनर्जी। मतलब आपकी बॉडी में जो फैट पड़ा हुआ है वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर आपका ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो नॉर्मल कन्वर्ट आपका वर्क कर रहा होगा। अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन वर्क नहीं कर रहा है तो T4 जो है वो T3 को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, मतलब फैट कन्वर्जन पावर जो है वो कम हो जाती है, दैट्स व्हाई आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसीलिए अगर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नॉर्मल है तो अपना T3 T4 भी आपने पूरा प्रोफाइल चेक करवाना है, कहीं वो डिस्टर्ब तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। सो मतलब आपका थायरोक्सिन बिकॉज ऑफ योर पॉली अनसैचुरेटेड फैट, रिफाइंड ऑयल, बिकॉज ऑफ योर अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड, सोडियम रिच फूड, उसकी वजह से आपका क्या इफेक्ट हुआ, दैट इफेक्ट्स योर फैट कन्वर्जन पावर आपकी इफेक्ट हुई, क्योंकि ऑयल ने ब्लॉक कर दिया सब चीज़ों को, ऑयल ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होने दी, ब्लड की सर्कुलेशन प्रोवाइड होने नहीं दी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फैट बर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई। और इसी तरह से हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, दैट इज़ वाई आपका मेंसेस डिस्टर्ब हो जाता है, आपका ईस्ट्रोजन जो है वो हाई हो जाता है, प्रोगेस्टेरॉन जो है वो लो हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप यू स्टार्ट हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टर्ब मेंसेस, आपके मेंसेस स्किप होने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपको एक सिम्टम लगता है कि मेरे हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, तो दैट्स अनदर कॉज की जो हॉर्मोन डिस्टर्बेंस में आता है। एंड अलॉन्ग विद दैट आजकल जो मिथ चलता है, मतलब मोस्टली ये देखा गया है कि हम कहते हैं कि किसी फॉर फैमिली रिलेटेड टू आपका कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रोकली है, इन सब चीज़ों को हमें थायराइड में नहीं लेना चाहिए। यस, नहीं लेना चाहिए, बट अगर आप इसको इन सल्फरेज और क्यूसिफर फैमिली को अगर आप कुक्ड करके, स्टीम करके, सॉटे करके इसको कुकिंग कर लेते हैं तो वो हमारे थायराइड की फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस नहीं देता है। सो मॉडरेशन में अगर ये सब चीज़ें आपकी क्यूसिफर फैमिली को अगर हम लेते हैं और कुक्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो ये हमें हेल्प ही करेगा, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कम्प्लीट करेगा, वो कुछ इंटरफेरेंस नहीं देगा। सो ओनली टिप यू नीड टू फॉलो कि आपने क्यूसिफर फैमिली इंक्लूडिंग योर, जैसे गोभी की रोटी नहीं बनाई, गोभी की सब्जी बना सकते हैं क्योंकि वो कुक्ड हो गई है, ठीक है, या गोभी को हमने पहले से सॉटे करके फिर उसको हमने आटे में उसका स्टफिंग किया कि वो गोभी वाली रोटी जो है वो थोड़ी कुक होकर यूज़ हम कर रहे हैं, तो कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, इन सब चीज़ों को कुक करके यूज़ करना है। सोया का प्रोडक्ट डेफिनेटली हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, बट वंस अ वाइल मॉडरेशन में एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर आप यूज़ करना चाहते हो दैट्स ओके, लेकिन रिफाइंड ऑयल्स के फॉर्म में आपने सोयाबीन ऑयल या कॉर्न ऑयल, इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। एंड अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। वैसे तो मैंने हर वीडियो में कहा है कि कोरिएंडर सीड का पानी जो है दैट्स रियली हेल्पफुल, कोरिएंडर के लीव्स या कोरिएंडर का जो सीड्स होते हैं 1 टेबलस्पून आप सोक करके रात को एंड बॉयल करके छान के इसका पानी आप सुबह ले सकते हैं, जो काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ किया, उसको हेल्प भी मिला है। लेकिन एक बहुत अच्छा जो सोल्यूशन जो हमें आजकल के लाइफस्टाइल में मिला है वो है कोकोनट ऑयल, दैट इज रॉ वर्जिन कोकोनट ऑयल जो कोल्ड प्रेस्ड होता है, क्योंकि आजकल मार्केट इज फ्लडेड विद रिफाइंड ऑयल, और क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो गई है तो हमें वो लगता है कि दैट्स अ गुड ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर, क्योंकि वो हार्ट रिलेटेड है या बहुत अच्छा हेल्दी है, लेकिन कोकोनट ऑयल जो है दैट्स रियली हेल्पफुल टू योर फॉर योर मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, कि ईजिली मेटाबोलाइज होता है, वो रेंसिड नहीं होता है जल्दी। अगर आप इसके 2 से 3 चम्मच जो है पूरे दिन में अगर आप यूज़ करते हो दैट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ट्रीटिंग योर थायरॉयड। एंड आपका ये जो कुकिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल को कुकिंग में इसकी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्थ इंडियंस को मोस्टली लगता है कि कोकोनट ऑयल की स्मेल आती है, तो आप इसको कुकिंग में यूज़ करोगे तो स्मेल नहीं आएगी। अगर आप इसको एज सच खा सकते हो तो वो भी अच्छी बात है, या बॉयल्ड वाटर में भी कई लोग जो है वो कोकोनट ऑयल जो है वो मिक्स करके जो है वो ले सकते हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन फॉर योर थायराइड के लिए, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको सिलेनियम की बात की थी, तो सिलेनियम की अब्जॉर्प्शन पावर जो है वो कम हो जाती है, तो आप इसके साथ सिलेनियम का टैबलेट या सप्लीमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे सिलेनियम इज वेरी मच
फाउंड इन नट्स में, सीड्स में, पम्पकिन सीड्स में, सनफ्लावर सीड्स में, इन सब चीज़ों में जो है वो पाया जाता है. सो एट द वेरी एंड आई वॉन्ट टू गिव यू कंक्लूजन अबाउट थायराइड के बारे में कि थायराइड इज नॉट द प्रॉब्लम जो रिवर्स नहीं किया जा सकता है. अगर आप इसको लाइफ स्टाइल के साथ, लाइफ स्टाइल इन सेंस ऑफ लाइक, अगर आप हर रोज का रूटीन जो है वो अच्छा एक्सरसाइज का रखते हैं, जिसमें आपका योगा एक्सरसाइजेज इंक्लूडिंग और नेक एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, अगर आप वो करें अलॉन्ग विद दैट, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करें, एंड आपका स्लीप अगर प्रॉपर होता है, अगर आप बॉडी को रिपेयर करने का टाइम जो है वो देते हैं, क्योंकि रात के टाइमिंग पे भी आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं, अगर उनको रिपेयर करने का आप टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो आपको सुबह तक अच्छा रिस्पॉन्स देती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. सो आपका स्ट्रेस लेवल, आपका स्लीप, आपका एक्सरसाइज, आपकी क्लीन ईटिंग, आपका फुल डे का टॉक्सिसिटी जो है अगर मेंटली भी और आपका फिजिकली भी अगर वो रिमूव हो जाए बॉडी में से, तो आपको ये पिल्स लेने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स जो पिल्स दिया वो गलत है, आप ग्रेजुअली इसको रिड्यूस कर सकते हो. रेदर देन गोइंग फॉर क्विक फिक्स, आप 100 अगर एमसीजी ले रहे हो तो धीरे धीरे करके लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो उसको 75, देन 37, देन 35, देन 25, देन 12 एमसीजी, देन 5 एमसीजी, तो धीरे धीरे करके आप ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करते करते आप इसको स्टॉप कर सकते हैं. कीप चेकिंग योर थायराइड का प्रोफाइल आफ्टर एवरी 3 to 6 months, ताकि आपको उसका रेंज पता चलता रहे. एंड नेवर गो फॉर न्यूमेरिकल स्केल वैल्यू ज्यादा कि रिपोर्ट में ही आ गया तो एकदम से आपने डिप्रेशन ले लिया जी कि हमें तो थायराइड हो गया है, अब क्या होगा. बॉर्डरलाइन स्टेज वाला जो थायराइड होता है, अगर आप लाइफस्टाइल को रिवर्स कर लेते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा कर लेते हैं, तो आपको पिल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती है. सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप ऑन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.